दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करवाने वाले कौन लोग हैं? खिलाड़ी। समझ रहे हो? पहले मैचेस होते हैं घंटों घंटों, उसके बाद उन पे क्या चलते हैं? तबसरे। पाकिस्तान क्यों हारा? एक्चुअली ये हुआ था, उसने जो है ना वो फील्डिंग में थोड़ी सी, मैं तो पहले ही कह रहा था, वो मुझे तो खिलाड़ियों के नाम भी नहीं आते ना। आफरीदी अभी चल भी रहे हैं कि रिटायर हो गए? रिटायर हो गए। अच्छा, तो और कौन सा था? शोएब मलिक, शोएब अख्तर, स्पीड अख्तर नाम रखा हुआ था लोगों ने उसका। तो वो जनाब आजकल असल में उसकी कमर में पेन था, असल में ये था फलाना डे। छोड़ो यार, गेंद और बल्ले का है, डंडे से गेंद उठा के बाहर फेंक दी, निकल गई, ठीक है, नहीं निकली तो हार गए। क्या हो गया इसमें? इतना क्यों इसको सर पे मुसल्लत कर रहे हो? इतना क्यों इज्जत जिल्लत का मैार समझ रहे हो? भाई क्रिकेट में होता है क्या है, गेंद उठा के लाएगा वो, तीन डंडे खड़े हुए हैं, उसका दिल चाहेगा इन तीन डंडों के अंदर में गेंद जाए, और सामने जो डंडा लेके खड़ा हुआ है वो कहेगा नहीं, गेंद को उठा के कहां फेंकूं? तो कभी फेंक देता है, कभी नहीं फेंकता। फेंक गया तो हा हा हा, वो थोड़ा सा हल्ला गल्ला हो गया, नहीं फेंका तो चलो हा तो कोई बात नहीं यार, खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको पता नहीं क्या समझते हैं, इंडिया पाकिस्तान पे बॉर्डर पे जंग हो रही हो उसमें इतने जज्बाती नहीं हो जाते। गेंद और बल्ले के साथ आपके ऐसे जज्बात, खुदा की कसम इसके बारे में कयामत के दिन सवाल होगा। अलिहादा खुलिक्तुम, इसके लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया था। अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, अल्लाह कयामत के दिन कहते हैं मैं पूछूंगा क्या तुमने ये गुमान कर रखा था हमने तुमको बेकार पैदा किया है? इन फालतू चीजों में इतनी दिलचस्पी, इतनी दिलचस्पी। अफा हसिबतुम, भाई मस्जूदे मलाइका है, इंसान को दुनिया में लाने के लिए इंतजाम किया गया है, ये इत्तेफाक से पैदा नहीं हुआ। हर वो खेल जो किसी भी लिहाज से दुनिया या आखिरत के लिहाज से मुफीद होगा वो खेल जायज है, और जिसमें सिर्फ टाइम वेस्टिंग के अलावा कुछ भी नहीं है वो खेल शरीयत में पसंदीदा नहीं है। तभी मैं कहता हूं क्रिकेट नहीं खेला करो, क्रिकेट में एक्सरसाइज कम है, शोबाजियां। भाई फुटबॉल 10 मिनट में खेल के आदमी की फुटबॉल बन जाती है, लेकिन क्रिकेट में शोबाजियां ज्यादा हैं। घंटा लगा देगा बॉलिंग करने में, इधर उधर पहले घंटा देखता रहेगा, हाँ भाई क्या हो रहा है, थोड़ा सा तुम यूं हो जाओ, थोड़ा सा यूं हो जाओ, शोबाजी ना। जैसे हम पत्नी गेंद है वो किधर भी लगा दो वो किधर से भी निकल जाएगी। क्योंकि लोग मुझे कहते हैं यार ये क्रिकेट के आप क्यों खिलाफ हैं, मैच देख रहे हैं, तो भाई कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसमें हमारा आपसे इख्तलाफ है। जब वो बेसिक चीज़ें समझ में आएंगी तो बाकी सारी चीज़ें भी समझ में आना शुरू हो जाएंगी। जब भी मेरी किसी खिलाड़ी से मुलाकात होती है ना जो बैन अल्अक्वामी सतह पे खेल रहे हो, जो दीन की तरफ आ गए हों, मैं उनसे कहता हूँ भाई मैं ये तो नहीं कहता आप ये खेल फ़ौरन छोड़ दें, ये तो आप खुद फैसला करो, लेकिन अपने आप को किसी मुफीद काम में लगाओ, इसलिए कि आखिरत में हमसे हमारे एक एक अमल के बारे में बोलो भाई हिसाब लिया जाएगा। जिसका ये नज़रिया है वो क्रिकेट के लंबे लंबे मैचेस में उनको देखकर अपने कीमती औकात को बर्बाद नहीं करेगा, और जिसका ये नज़रिया ही नहीं है तो वो तो कहेगा यार कौम इंजॉय कर रही है, लोग देख रहे हैं, लोग उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, कलाबाजियाँ खा रहे हैं, थोड़ा सा डिप्रेशन ख़त्म हो रही है, तो इनको पता नहीं क्यों तकलीफ़ हो रही है। क्या ख्याल है भाई? वो कहेंगे इनको पता नहीं क्यों तकलीफ़ हो रही है। भाई अगर मरना है और हमें एक मकसद के लिए पैदा किया गया है, एक हदफ देकर पैदा किया गया है, तो आप उस विज़न को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारो। जो चीज़ उस विज़न तक पहुँचने में रुकावट बन रही है आप उसको अपनी ज़िंदगी से निकालो। जब कोई विज़न ही नहीं है, विज़न ही लाइफ को इंजॉय करना है, तो सिर्फ क्रिकेट नहीं देखो मेरे भाई, फिर नाइट क्लबों में जाके नाच गाना भी करो। जब आपका हदफ ही लाइफ को इंजॉय करना है तो फिर तो शराब भी पियो, फिर तो सारे उल्टे सीधे काम करो भाई। और अगर आप कहते हो नहीं मजहब ने पाबंदी लगाई है शराब पीने पर, जिना करने पर, ये बहुत बड़ी बुराई है, तो मजहब तो आपको ये भी कह रहा है कि टाइम वेस्टिंग भी क्या है इस्लाम में, बोलो भाई गलत है। कद अफलहल मोमिनून, 18वें पारी की पहली आयत, तहकीक कामयाब हो गए मोमिन, अल्लदीन हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू पैदा करते हैं, वल्लदीन हुम अनिल लगवी मोरिजून, जो लगवियात से एराज करते हैं। मोमिन की एक सिफत यह है कि वो फजूल और लगव कामों में अपने टाइम को जाया नहीं करता। आप कह सकते हैं कि भाई इसका मतलब बिल्कुल सूफी बन के बैठ जाएं,
کوئی کھیل تفریح ہی نہ ہو، لائف میں کوئی انٹرٹینمنٹ ہی نہ ہو، یہ تو بڑی پھیکی ہے، تو ڈپریشن کے مریض بن کے مر جائیں گے، ویژن تک تو ویسے بھی نہیں پہنچ پائیں گے. سوال سمجھ میں نہیں آ رہا میرا خیال ہے، آ رہا ہے بھائی؟ الحمدللہ. تو بھائی اس معاملے میں بھی اسلام نے ہمیں گائیڈ کیا ہے، اس میں بھی ہمیں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کل لہو باطل الا ثلاث، ہر کے کھیل تماشا باطل ہے، ناجائز ہے، برا ہے، سوائے تین کھیلوں کے. سوائے بولتے کیوں نہیں؟ تین کھیلوں کے. علماء نے لکھا ہے کہ وہ تین کھیل بطور اگزامپل کے، بطور مثال کے. مقصد صرف تین کھیل نہیں ہے، یعنی ہر وہ کھیل جو اس طرح کا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جائز ہوں. تو اس میں 3000 کھیل بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ وہ عدد کے ساتھ چیز بیان کرتے تھے تاکہ وہ یاد ہو جائے. مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ اس عدد میں محصور ہے، صرف یہی ہیں. اس پر تمام فقہا کا اجماع ہے کہ صرف تین کھیل جائز نہیں ہیں، بلکہ ہر وہ کھیل جس میں یہ تین کھیلوں والا معنی ہوگا وہ کھیل بھی کیا ہوں گے؟ جائز ہوں گے. فرمایا ملاعبۃ الرجل اہلہا، اپنی زوجہ کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس میں ٹائم بظاہر تو ویسٹ بیٹھے ہوئے، خام خام میں لطیفے بازی چل رہی ہے، ادھر ادھر کی فالتو گیری چل رہی ہے بھائی، تو بظاہر تو ٹائم ضائع ہو رہا ہے، لیکن وہ ٹائم ضائع اس لیے نہیں ہو رہا کہ اس سے آپس کے تعلق، بولو نا بھائی. اب باہر بیٹھ کر آپ بہت گپے لگا دیں، یہ کر دیا وہ کر دیا، گھر میں آتے ہی آپ چنگیز خان نظر آ رہے ہیں دیکھنے سے، جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے بھائی. ٹینشن دور کرنے کے لیے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک گھنٹے، ادھر ادھر کی پی ٹی آئی کے بارے میں بات، ٹیکس کے بارے میں، پھر آ گیا جے یو آئی کی طرف، یہاں سے ٹن مارا مسلم لیگ، ٹھیک ہے نا، ادھر سے آیا ملک کی پالیسی پہ، ابھی جو نئی پالیسی بن رہی ہے ایک معیشت کو کنٹرول کرنے پر، اس پہ کوئی تبصرہ کیا، اور پھر لطیفے، ہو ہا ہا ہو، بڑا گپ شپ، جب بھی ذہن کو ریلیکس کرنا چاہتا ہوں. گھر میں آتے ہی ایسے انٹری ایسے ہوتی ہے جیسے چنگیز خان کا بڑا والا بیٹا آ رہا ہے گھر میں. جو ٹینشن دور کرنی تھی وہ ساری باہر دور ہو گئی، اب بچا کچھ ہے ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فوکس کس کو کیا؟ زوجہ کو. اس کے ساتھ بیٹھ کے فالتو کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لطیفے سنا کرتے تھے اپنی ازواج سے، حالانکہ آپ کا وقت کتنا قیمتی تھا. تو وہ کیونکہ اس کا فائدہ ہے، وہ ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے، کیونکہ جتنا تعلق مضبوط ہوگا فیملی سسٹم اتنا مضبوط ہوگا، بچوں کی تربیت اتنی اچھی ہوگی، پھر آپ کی باہر توجہ نہیں جائے گی. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.